हेलो दोस्तों, अगर आप Redmi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका फ़ोन में आ सकता है। ये Redmi Note 11 Pro Plus 5G है। आप कोई भी Redmi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये फास्ट बूट का प्रॉब्लम आपका फ़ोन में आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में दिखा दूँगा। एक मिनट में ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन है, तीनों बटन है। ये पावर बटन एक्चुअली ये प्रॉब्लम आता है ये तीनों बटन एक साथ प्रेस होने के लिए। अब देखिए पावर बटन आपको प्रेस करके रखना है जब तक MI का लोगो नहीं आ जाता या Redmi का लोगो नहीं आ जाता। देखिए मैं प्रेस करके रखता हूँ, देखिए कुछ देर प्रेस करने के बाद MI का लोगो आ गया। ओनली पावर बटन प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है आपको। पावर बटन प्रेस करके रखना है जब तक Redmi और MI का लोगो नहीं आ जाता और आपको कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है। मैं पूरा दिखा देता हूँ, लास्ट तक देखिएगा और क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। देखिए ये फ़ोन ऑन हो रहा है, ये एक्चुअली एक बग है जो MI और Redmi फ़ोन में है। यह फास्ट बूट जब आप बूट तीनों स्विच एक साथ प्रेस करके इसको बूट करने की कोशिश करते हैं तो ये कभी कभार फास्ट बूट में अटक जाता है। तो ये तीनों पावर ऑन और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन तीनों बटन एक साथ प्रेस करने के लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो आप फास्ट बूट अगर आ जाता है आपका फ़ोन में, सिर्फ वॉल्यूम ओनली पावर बटन को प्रेस करके रखना है और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, ऐसा और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।